एक्टिंग एक्टिंग सब करना चाहता है, हर कोई सुपरस्टार बनना चाहता है, हर कोई नाम कमाना चाहता है, हर कोई ऊंचाई को छूना चाहता है, मगर रास्ता वो कहां से मिलेगा? रास्ते पर चलना, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या मुसीबतें आएंगी, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो समझना नहीं चाहते को, बस सब एक्टर बनना चाहते। बन जाए थे पर कौन वो जो अमीर रईस ज्यादा होते हैं, हम जैसे गरीब इंसान का इस प्रोफेशनल में कोई जगह नहीं। मान लो अच्छा एक्टिंग करते हैं, करता हो, बहुत दिन करता है, मगर क्या सबको कामयाबी मिल जाती है? नहीं, सबको कामयाबी नहीं मिलती है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो कामयाबी को छू पाते हैं। हर किसी के वश में बात नहीं है, हर किसी में इतना दम नहीं मंजिल को आसानी से पाए। अगर ऐसा होता तो हर कोई एक्टर ही बनना चाहता, कोई मजदूर, लेबर या फिर कोई जूता पॉलिश करने वाला भी नहीं बनता। और सबसे अहम बात, हम जैसे गरीब घर की लड़की तो कभी नहीं बन सकते। कैसे बनेंगे? ना पैसा है, ना नाम है, ना शोहरत है, ना समाज में इज्जत है। कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, कैसे बन जाएंगे एक्टर? सिर्फ घर में फोन में वीडियो बना लेना, छोटे मोटे एल्बम्स बना लेना, क्या यही जिंदगी है? ये तो बस शुरुआत हुई, पर मंजिल तक क्या पहुंच पाएंगे? हम जैसे गरीब तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम जैसे गरीब कदम पर हमें ही लूटने की कोशिश किया जाता है, हर वक्त हमें ही शोषण किया जाता है। इसलिए कि हम गरीब हैं, हम गरीबों का कोई वजूद नहीं, हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं, पर जो लोग ऐसा सोचते हैं उनसे एक बात कहूंगा, कभी आप भी गरीब थे, कभी आप भी लाचार थे। उस दिन को याद करिए जब आपके हालात खराब थे, जब आप मुझसे भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। उस वक्त को याद करिए जब आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। कोई तो होगा
कोई तो होगा जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाया होगा, आपके सपने पूरे किए। उस दिन को याद करके मेरा मदद कर दीजिए, हाथ पकड़ कर चलने वाले माँ बाप ही नहीं कहलाते, उनका एक और पहचान भी होता है और वो है गुरु, जो कि माँ बाप से भी ऊंचा स्थान, ऊंचा दर्जा दिया जाता है उनको। वो बन जाइए आप, मतलब भरी दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ भी क्यों करेगा, क्यों करेगा कोई कुछ भी। आजकल की जिंदगी में हर किसी का कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा होता है किसी के साथ। कोई पैसे ऐंठना चाहता है तो कोई फ्री में काम करवाना चाहता है, कोई शोषण करना चाहता है। कोई नहीं मदद करता, बिना स्वार्थ का इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। कभी ना कभी कोई तो ऐसा मिलेगा जो मुझे समझेंगे, मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत टैलेंट है उसको निकाल कर वो दुनिया के सामने लाएंगे। ऐसा होगा, जरूर होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने भोलेनाथ पर। उन्होंने आज तक हमारी मदद ही की, आगे भी करेंगे। हालात चाहे बुरे हो अच्छे हो, बस विश्वास बनाकर रखना है और मैं यही कर रहा हूं, अपना विश्वास बना।